हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डे पार्टी मेकअप लुक। तो ये वीडियो वॉइस ओवर वीडियो नहीं होने वाली है, फर्स्ट थिंग ये है। एंड आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें मैं करने वाली हूँ आज की वीडियो में, तो ये चट काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है। तो लेट नहीं करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्टली, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पसंद आती है मेरी ये वीडियो तो आप कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपके स्किन के लिए सबसे पहले स्किन केयर बहुत ज़रूरी होती है। आप जब भी अपना मेकअप करने जा रहे हो तो आपको उससे पहले अपने फेस की स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ ये एड गुडनेस का टोनर है मेरे पास, ग्रीन टी। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ टोनर। दैट्स इट। और इसको मैं अच्छे से अपनी स्किन में पुश होने दूंगी, इसको ड्राई होने दूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र के लिए, ये निविया का मॉइस्चराइज़र है मेरे पास, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये बहुत बड़ा मंगवाया था जब भी मैंने इसे ऑर्डर किया था, तो ये मेरा ऑलमोस्ट अभी तक ख़त्म आधा भी नहीं हुआ है और ये चले जा रहा है। और ये काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में मुझे रिसीव हुआ था और इसका प्राइस भी आई थिंक ज़्यादा नहीं था। ये 300 ml में मुझे, ये 300 ml का है और इसका प्राइस कितना है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसका है 349 rupees। बट आई थिंक 349 rupees में ये नहीं मिलने वाला आपको अमेज़ॉन पर। तो अगर आपको परचेज़ करना हो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र तो आप इसको परचेज़ कर सकती हैं। ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स में से एक है और बहुत अच्छा है, सॉफ्ट एंड लाइट मॉइस्चराइज़र है, तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। एज़ यूजल लिप मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं अपना निविया का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, लिप बाम। एंड दैट्स इट। अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी, ये मेरे पास स्टे क्विकी का प्राइमर है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हम बेसिकली प्राइमर क्यों यूज़ करते हैं, हम प्राइमर यूज़ करते हैं अपने जो ओपन पोर्स होते हैं हम उनको फिल करने के लिए प्राइमर यूज़ करते हैं। एंड जो हम अपना फाउंडेशन बेस यूज़ करने जा रहे हैं, फाउंडेशन यूज़ करने जा रहे हैं, और तो वो एक अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाता है हमारी स्किन में, तो हमें इसलिए भी प्राइमर यूज़ करना चाहिए। और ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो ये बहुत अच्छा प्राइमर है। ये मैंने purple.com से परचेज किया था। एंड दैट्स इट। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग स्मूथ हो चुकी है और ये सब प्राइमर का कमाल है, इसलिए प्राइमर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी हम इसके ऊपर फाउंडेशन यूज़ करने जा रहे हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, स्मूथली वो स्प्रेड हो जाता है, और उसे जब हम उसे ब्लेंड करते हैं तो उसे ब्लेंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन है मेरे पास और इसका शेड है 230 नेचुरल बफ। जो मेरा शेड है एक्चुअल में वो ये है। ये डे पार्टी मेकअप लुक है तो मैं यहाँ ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ही ज़रा सा अपने फेस पे यूज़ करूँगी। क्योंकि नेचुरल लगना चाहिए आपका फेस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपने इतना ज़्यादा हैवी डे में, एक दिन में आपने इतना हैवी मेकअप किया है। और ये वाला जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है ये आपको लो टू मीडियम कवरेज देता है, तो अगर आपको लो टू मीडियम कवरेज का फाउंडेशन चाहिए होगा तो आप इस वाले फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं, ये मेबेलिन का है। और वैसे मेरे पास ये छोटे वाला पैक है, इसमें बड़ा पैक भी आता है, अगर आपको बड़ा पैक लेना हो तो आप बड़ा पैक भी ले सकते हैं इसमें। और अपना नेक कभी ना भूलें मेकअप के टाइम पर, मेकअप करते वक्त, क्योंकि आपका फेस आपके नेक से मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर है मेरे पास, ये बहुत अच्छी कवरेज देता है आपको। अगर आप एक लो टू मीडियम कवरेज का बहुत अच्छा कंसीलर चाहते हो, इवन ये मीडियम कवरेज भी नहीं, ये आपको अच्छी खासी कवरेज दे देता है। तो ये मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे कुछ 139 और 129 आई थिंक इतने ही रुपीज़ में मुझे purple.com पे ये रिसीव हुआ था। बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत अच्छे से आपके स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं वो ईजिली कवर कर देता है। तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा कंसीलर चूज़ करना चाह रहे हैं, एक अच्छा कंसीलर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो। अच्छे से ब्लेंड करना आपको बहुत ज़रूरी होता है आपके कंसीलर को, वरना वो क्रीज होने लगता है कुछ टाइम बाद, तो इसलिए आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद आपको इसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो भी अगर आप अच्छे से सेट नहीं करते हैं तो वो भी क्रीज होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है आपका मेकअप उस टाइम। तो मैंने जहाँ भी मेरे थोड़ा ब्लैकिश रहता है वहाँ मैंने ये अप्लाई किया है, देख सकते हो कि कितना एक इवन लुक नज़र आ रहा है सामने। नेक्स्ट मुझे इस मेकअप को भी जो मैंने अभी किया है उसको सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लू हेवन का सफायर, मेरे पास ट्रांसलूसेंट पाउडर है। मैं इससे अच्छे से अपने फेस को बेक करूँगी क्योंकि मैंने अभी फाउंडेशन यूज़ किया है। जब तक मेरा मेकअप सेट होता है तब तक कर लेते हैं अपना आई मेकअप। तो मैं यहाँ आई मेकअप कर रही हूँ और उससे पहले मुझे अपने आईज़ को अच्छे से कंसील करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ अपना वही कंसीलर सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज़ को अच्छे से प्राइम और कंसील करने के लिए। इसके बाद मैं जो भी अपना शेड यूज़ करूँगी वो अच्छे से इमर्ज हो जाएगा मेरी आईज़ पे, तो इसलिए मैं इसको कंसील कर रही हूँ। इस कंसीलर को मैं अच्छे से सेट भी कर रही हूँ जो मैंने अभी यूज़ किया है। तो जो भी मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँ वो अच्छे से ईजिली ब्लेंड हो जाए, उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो ब्लेंड करने में, इसलिए मैंने इसको अच्छे से पाउडर से भी सेट कर लिया है। और इसमें यहाँ ले रही हूँ ये वाला अपना ट्रांजिशन कलर, तो इसको मैं अच्छे से अपने आईज पे ब्लेंड कर रही हूँ। ये लुक बिल्कुल भी हैवी नहीं है, तो बिल्कुल सटल सा मैं ये लुक रखने वाली हूँ कि डे टाइम पार्टी लुक है तो भी हैवी नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं इसको बिल्कुल सटल सा सिंपल सा रखूँगी। क्रीज शेड के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड, इसको मैं अपना एज अ क्रीज कलर लेने वाली हूँ, तो इसको मैं अच्छे से अपनी आईज पे ब्लेंड करूँगी बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डार्क शेड नहीं चाहिए है, बस एक डेप्थ मेरी आईज को मिल जाना चाहिए, मुझे बस उतना ही आई शेडो लगाना है अपनी आईज पे। अच्छे से आपको अपना आई शेडो ब्लेंड करना हो, बिल्कुल मतलब केकी सा और पैची सा लगने लगता है जैसे आपने कलर लिया और उसको सीधा अपनी आईज पे प्लेस कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है क्योंकि कलर तभी अच्छा बन के आता है, तभी उभर कर आता है जब तक आप उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे। और ऐसे ही मैंने अपना आई शेडो कम्प्लीट कर लिया और इसके बाद मैं अपने आई लिड पर जो कलर प्लेस करने जा रही हूँ तो वो मैं ले रही हूँ ये वाला कुछ शिवरी काइंड ऑफ शेड है, मैं इसको अपने आईलिड पे अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। तो ये मेरा हो चुका है डन और जो भी मेरा फेस पे एक्सेस गिरा होगा तो उसको रिमूव कर लेते हैं इसकी हेल्प से, ब्रश की हेल्प से। मैं जितना भी मैंने अपना पाउडर यूज़ किया था वो सब मैं इसकी हेल्प से रिमूव कर दी। और यहाँ मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और काजल के लिए मैंने लिया है ये NYV का मेरे पास काजल है, ये है सिटी आइलैंड आई पेंसिल। तो वैसे ये इतनी ख़ास नहीं है बट लाइट आपको अगर काजल अप्लाई करना तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा काजल नहीं लगाना है इस वक्त अपनी आईज पे। इसके बाद मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैंने जो क्रीज शेड अपना यूज़ किया था ऊपर, तो उसी क्रीज शेड को मैं काजल के नीचे अप्लाई करके उसे स्मच कर देते हैं। और इसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला शेड मैंने इसमें एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मैं आपकी इनर कॉर्नर्स के लिए बहुत बेस्ट है तो मैंने
इसी चीज़ को यूज़ कर लिया है कि मुझे ज़्यादा अपने फेस को ग्लो नहीं दिखाना है, ज़्यादा मतलब मेकअप जो है वो ज़्यादा नहीं करना है। आई लाइनर के लिए मैंने यहाँ सोचा क्यों ना स्विस ब्यूटी का अपना ये आईब्रो एंड आई जेल लाइनर को यूज़ किया जाए, तो मैं जेल आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ अपना आई लाइनर बनाने के लिए, अपना लाइनर लगाने के लिए। तो ये एक जेल आई लाइनर है और इसके साथ आपको आईब्रो पाउडर भी मिल जाता है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपना एज अ आई लाइनर। और यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है आई लाइनर। आई लाइनर के बाद मैं इसी स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड आई लाइनर जेल आई लाइनर वाले पैलेट में से ही यूज़ कर रही हूँ अपना आईब्रो शेड, तो मैं इसी से अपने आईब्रो भी फिल कर रही हूँ। यहाँ मुझे आईब्रो भी दिया हुआ है, आईब्रो पाउडर दिया हुआ है मुझे यहाँ। अब आईब्रोज फिल हो चुकी हैं, आईब्रोज फिल होने के बाद मस्कारा लगाने की बारी आती है, और मस्कारे के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये बेला वोस्टा का मस्कारा। और आपको जब मस्कारा अप्लाई करना होता है तो हमेशा याद रखें कि आप मस्कारे को एक ज़िगज़ैग फॉर्म में ही अप्लाई करें, जैसे मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल अपने आईलैशेस को ऐसे ले जाते हुए। इस तरीके से आपको अपना आईलैशेस पे मस्कारा लगाना चाहिए। तीन से चार कोट आपको अपने आईलैशेस पे लगाना ज़रूरी है, उससे अच्छे से आपके आईलैशेस कर्ल हो जाते हैं। और मस्कारा हो चुका है डन और मेरा आई मेकअप भी डन हो चुका है, और उसके बाद हम अपने फेस की करने वाले हैं कॉन्टोरिंग। और कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये अपने SFR का मेरे पास पैलेट है, और इसमें मेरे पास कॉन्टोर शेड भी है, ब्लश भी है एंड हाईलाइटर भी है, और ये डे टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट शेड्स हैं, क्योंकि ये हाइलाइटर जो है वो बिल्कुल बहुत ही मतलब एक आपको सटल लुक देता है, आपको इतना ज़्यादा आपके फेस को हाईलाइट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ग्लोई नहीं बनाता है, तो ये डे टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हाइलाइटर है। और इसमें सब कुछ आपको अवेलेबल है, आपको दो शेड्स ब्लश के यहाँ मिल रहे हैं, एक ब्रॉन्जर मिल रहा है और एक आपको यहाँ हाइलाइटर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर रही हूँ अपने फेस की ब्रॉन्जिंग अच्छे से, तो ब्रॉन्जिंग के लिए मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी अपने फेस की ब्रॉन्जिंग करने के लिए। इसकी ब्रॉन्जिंग क्यों की जाती है, फेस की ब्रॉन्जिंग की जाती है आपके फेस को एक अच्छा सा लुक देने के लिए, एक शार्पनेस देने के लिए आपके फेस को, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आपका फेस जो है, अगर किसी का फेस ज़्यादा मतलब हैवी फेस है तो उसको एक अच्छा सा शेप मिल जाता है ब्रॉन्जिंग करने के बाद, इसलिए हमें अपने फेस की ब्रॉन्जिंग करनी पड़ती है। जब आप कॉन्टोरिंग अपने फेस की कर रहे हो, आप कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रहे हो या फिर ब्रॉन्जिंग यूज़ कर रहे हो, ब्रॉन्जिंग पाउडर यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने जॉ लाइन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, उसको आपको लेकर अपने फेस को कॉन्टोरिंग करनी होती है, ब्रॉन्जिंग करनी होती है। तो यहाँ मैं अपने फोरहेड को भी अच्छे से ब्रॉन्ज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो एरिया आता है वो आता है शेडी एरिया, तो इसको भी अच्छे से ब्रॉन्जिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी नोज़ जो है वो इन शेप दिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो यहाँ मैं नोज़ को भी अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, आई मीन इन द सेंस कॉन्टोर करना, क्योंकि हमारे नोज़ के पास का एरिया जो है वो थोड़ा शेडी एरिया होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नोज़ जो है वो उससे एक शेप लगती है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो मेरी नोज़ कितनी ज़्यादा इस वक्त पतली लग रही है, और मेरे फेस के अकॉर्डिंग कितना अच्छा लग रहा है मेरे नोट्स की जो मैंने कॉन्टोरिंग की है, ब्रॉन्जिंग की है वो। तो ब्लश के लिए मैं आया थोड़ा जो पीची सा शेड मेरे पास है ये, तो ये थोड़ा सा डार्क शेड है, मैं इसको ले रही हूँ, बट ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल ही लाइट इसको मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क शेड है। हाइलाइटर के लिए मेरे पास इसी पैलेट में हाइलाइटर भी दिया है अलग से, तो मैं इसी को एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ, और इसी सेम ब्रश की हेल्प से हाइलाइटिंग भी कर लूँगी अपने फेस की, क्योंकि ये जो हाइलाइटर इसमें इन लोगों ने दिया है वो बहुत ही सिंपल सा, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर दिखाने वाला हाइलाइटर नहीं है, जैसे आप लोगों को जैसे हम लोग नाइट पार्टी में हमें हाइलाइटर चाहिए होता है, उस तरीके का हाइलाइटर नहीं है ये,
बट स्टिल ये डे टाइम के लिए आपके लिए परफेक्ट हाइलाइटर है, तो आप इसको डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो और कि ज़्यादा आपके फेस पे हाइलाइटर ना लगाना, तो आप उसके लिए भी इस वाले पैलेट को, इस वाले हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। और मेरा जो मेकअप है ऑलमोस्ट वो कम्प्लीट हो चुका है। और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये वाला शेड, और ये लिपस्टिक है आई एम्स्टरडेम की, और इसका शेड नंबर जो है शेड है वो है हॉलैंड्स ग्लोरी 1। तो मैंने ये वाला शेड यूज़ किया है अपना लिप कलर के लिए, अपनी लिपस्टिक के लिए। ये बहुत ही अच्छा शेड है। एंड मेरा मेकअप हो चुका है डन, और इसके बाद मैं मेकअप फिक्सर के लिए यूज़ कर रही हूँ अपना स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। और इसको हमेशा टी शेप या फिर एक्स शेप में आपको यूज़ करना होता है, तो मैं यहाँ एक्स शेप में यूज़ करूँगी। तो ये रहा वो फाइनल लुक, ये था मेरा डे पार्टी मेकअप लुक। आई विश आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो प्लस मेरा मेकअप लुक अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विश कि आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करने वाले हो। बाय बाय गाइस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।